अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ, स्पेशल चिकन यखनी पुलाव। चलें आए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 केजी चिकन, 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद मोटी इलायची, 8 से 10 अदद लौंग, 1 टेबलस्पून इमली, 2 पीस जावित्री के, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, 1/2 roughly चॉप्ड अनियन, 1 टीस्पून काली मिर्च, 4 अदद हरी इलायची, 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। सेकेंड स्टेप, 4.5 प्याली चावल यानी 750 ग्राम, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 7 से 8 अदद हरी मिर्चें, 12 टेबलस्पून दही, 1 प्याली ऑयल की। अब यखनी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हम चिकन को एक पैन में ऐड करेंगे, उसमें हम प्याज और जो सब मैंने मसाले बताए हैं वो साथ में ऐड कर देंगे इसके अंदर। फर्स्ट स्टेप वाले आहिस्ता आहिस्ता हम सब ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब साथ में सॉल्ट, 2 टेस्ट है ये, इसके अंदर ऐड करेंगे, साथ में 2 अदद हरी मिर्चें। अब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे, 6 गिलास। अब हम यखनी को पकने के लिए रख देंगे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए। अब हमारी यखनी रेडी है, अब हम इसे छान लेंगे। अब हम अलग से एक डिक्ची में ऑयल लेंगे, उसमें हम प्याज ऐड करेंगे, प्याज को ब्राउन करेंगे और 1 चम्मच इसमें से हम गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे, साथ में हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, हरी मिर्चें, 3 से 4 अदद लौंग, बड़ी इलायची, ज़ीरा 1/2 टीस्पून ऐड करें। अब हम दही ऐड करेंगे, इसको भूनेंगे, इसके बाद हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे, यखनी के साथ चावल ऐड कर देंगे और सॉल्ट 2 टेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसे पकने के लिए रखेंगे, लेकिन आप इसमें चम्मच कम से कम चलाइएगा ताकि चावल आपके खिले खिले बने। अब 10 से 15 मिनट दम दिया है मैंने, ये देखें राइस बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अब ब्राउन प्याज के साथ हम इसे गार्निश करते हैं और रायते के साथ इसे सर्व करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इजाज़त दें अब एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।